क्या नाम है आपका? जय मसीह। जय मसीह जी। बलकार है। बलकार, कहाँ से आप आए हो? संगरूर से। संगरूर से। आपको इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए कितना टाइम हो गया? 4-5 महीने हुए। 4-5 महीने। आज से 4-5 महीने पहले ये इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं। ये संगरूर जिला से हैं और आज इनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा काम किया। जी पेशे से जिम्मेदार हैं, खेती का काम करते हैं और जब इस मिनिस्ट्री की टीचिंग जो हम तेल पानी पॉजिटिव प्रे नेगेटिव प्रे पॉजिटिव विश्वास और नेगेटिव विश्वास क्या ये सब चीजें बताते हैं तो इन्होंने जब सुनी, हाँ बंधनों को तोड़ना, शराबों को, वंशों के शराब, हाँ समझ आ रही है, ध्यान करो, प्रभु अच्छा करो, ये सब बातें जैसे आज भी लोग ऐसे कर रहे हैं, तो उन्होंने जब इस मिनिस्ट्री की टीचिंग को सुना, क्योंकि ये भी अपने वंशों के शराब बंधनों को तोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? अपने बंधनों को तोड़ रहे थे। ये सब नेगेटिव प्रेयर, प्रभु ध्यान करो, अच्छा करो, हम पापी हैं, हमारे पाप क्षमा करो, ये ऐसे प्रेयर करते थे। और इन्होंने ये सब बातें समझी जब इस मिनिस्ट्री की इन्होंने टीचिंग को अपने मोबाइल से सुना और तब सुनकर इन्होंने कॉल की, बात की हमारी टीम से, उन्होंने उत्साहित किया और भी सिखाया, तब ये एकदम से तैयार हो गए यहाँ इस मिनिस्ट्री के में आने के लिए। और जब पहली बार मेरी मीटिंग हुई इन्होंने इन्हें मैंने बहुत उत्साहित किया, बहुत सिखाया और ये बहुत खुश हुए। क्या हुए? ये बहुत खुश हुए कि मुझे पूर्ण सत्य मिल गया। पर क्या हुआ? पूर्ण सत्य तो मिल गया पर शैतान ने उस साइड दूसरी साइड अपना काम शुरू कर दिया। क्या कर दिया? अपना काम शुरू कर दिया। अब क्या हो गया कि ये यहां से संगरूर से यहां पे संगरूर कितने किलोमीटर है? 250 किलोमीटर। कितने घंटे का बस से कितने घंटे का सफर है? 7-8। 7-8 घंटे का सफर है। हाँ तो ये इतना सफर तय करें, आप कितनी बार आ चुकी हो यहाँ पे 5 महीने में? आ चुका हूँ 10 बार। कितनी बार? 10 बार। 5 महीने में 10 बार आ चुके हैं यहाँ पे 5-6 महीने में। अब ये यहाँ पे आते हैं और इनके जो फादर साहब हैं वो विश्वास नहीं करते, इनके मम्मा तो विश्वास करते हैं, इनकी जो वाइफ है वो भी विश्वास करते हैं, पर इनके जो फादर साहब हैं वो विश्वास नहीं करते और उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि पहले आराम से यहाँ पे जाता था तो चलो 2-3 घंटे आप आ जाता था और अपना काम करता था, अब क्या जरूरत है कि इतने घंटे इतने किलोमीटर दूर जाना। और इन चीजों को लेकर उनका मन खराब हो गया और इन्होंने यहाँ इस मिनिस्ट्री में आने के लिए उन्होंने मना किया, इनसे झगड़ा किया और ये काफी ऐसे ये खफा हो गए और उन्होंने इतने गुस्से में आकर जब भी फिर दोबारा आए तो उन्होंने यहां तक फैसला ले लिया कि हम इसके फादर ने ऐसे कहा कि हमने जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो जमीन, हमने तुझे कुछ नहीं देना, तू हमारे घर से चला जा, हमने कोई तुझे कुछ नहीं देना। और इन्होंने अपने पिता से कोई झगड़ा नहीं किया, कहते ठीक है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में लिखा है कोई बात नहीं, अगर आप जमीन नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, अगर आप रहने के लिए कोई नहीं, मैं किराए पे रह लूंगा, अपना काम करूंगा, कोई बात नहीं, पर मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। क्या नहीं छोड़ूंगा? अब उसके सत्य को, जो सच्चाई मुझे मिली, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। और तब इन्होंने जब ऐसे हुआ तो हमसे बात की और हमने उत्साहित किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये सब डेवल की, शैतान की युक्तियां हैं आपको फुसलाने के लिए, ताकि आपकी जो जीवन की बुनियाद या सत्य पर आप खड़े ना हो सको, समझ आ रही, इसलिए ये सब कुछ ऐसे हो रहा। फिर मैंने उत्साहित किया, फिर इनके लिए प्रेयर हुई, प्रार्थना की और हमने विश्वास दिलाया, तब जाकर इनके फादर ने ऐसे मान लिया ठीक है कि 1 किला हम देंगे, 1-1 किला। कैसे? इनकी 3 किले, टोटल 3 किले ना, हाँ जी, और 1 किला हम जमीन तुझे दे देंगे, बस अपना काम कर, जो जो भी है तेरा, तब मान गए। पहले तो 1 भी नहीं,
कोई जमीन नहीं देंगे, घर से भी निकाल देंगे, पर इन्होंने अपने मन को ढावाडोल नहीं किया, अपना मन खराब नहीं किया। जैसे आज अगर किसी के साथ ऐसा है, क्योंकि इसी यही लिए तो लोग जीते हैं, अगर यही चीजें हमारे पास नहीं है तो फिर लोग सोचेंगे परमेश्वर के पास जाने का क्या फायदा। पर ये सत्य जान चुके थे कि सत्य क्या है। इन्होंने ना तो अपना मन खराब किया कि वो मुझे ये प्रॉपर्टी देंगे, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी है भाई। तब एक किला तो मान गए, क्या मान गए, और ये बने रहे परमेश्वर के साथ अच्छे मन से, विश्वास के साथ। और आज बोलो के आज जो दो किले बचे थे वो भी इनके फादर साहब ने इनके नाम लिखवा दिए। हाँ। बोलो क्या है, अभी जो दो किले जमीन बची थी वो भी इनके नाम करवा दी। क्या कर दी, वो भी इनके नाम करवा दी, समझ रहे हो। और ये सब कुछ कब और कैसे होता है, जब हम उस वचन पर, उस सच्चाई पे खड़े रहते हैं। कैसे होता है, ऐसे नहीं कि बस आया अलाव तो ढावाडोल, मन खराब, चलो छोड़ो, हाँ क्या फायदा वहां पे जाना, हाँ मैं कहां पे जाऊंगा। अरे जिसने आपको बनाया, जो आपको जीवन का सांस दे सकता, दे रहा ना, क्योंकि कौन हमें सांस दे रहा है, हम सब सांस ले रहे हैं ना, ऐसे देखो चेक करो कौन हमें सांस दे रहा है, दे रहा है हवा में, दे रहा ना, क्योंकि ऑक्सीजन हवा में। अगर हमें वो जीने की सांस दे सकता है तो क्या नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो सांस जो हम लेते हैं अगर वो बंद कर दे तो क्या होगा, फिर कुछ चीज की हम इच्छा रखेंगे, हमें जमीन चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए। अगर वो आपको जीने के लिए सांस दे सकता है तो सब कुछ दुनिया की चीज दे सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन पर खड़े रहो और अपना मन ना खराब करो, क्या ना करो, अपना मन ना खराब करो, जैसे इस भाई ने किया। अगर इसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने, हो सकता पता नहीं कितने साल बाद इनके फादर साहब इस चीज के लिए मानते, पर कितनी जल्दी वो चीज आज परमेश्वर ने कर दी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए किसी भी चीज के लिए देर ना करेगा, क्या ना करेगा, जैसे इसके साथ हुआ वैसे आपके साथ भी होगा। मैंने कहा जैसे इसके साथ हुआ, जैसा विश्वास इसने किया, अगर आप भी करोगे आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आमेन।